IBN 9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खातेगांव की पावन धरा पर विश्व शांति एवं महामारी निवारण अर्थ श्री राम महायज्ञ मां नर्मदा जन्मोत्सव सप्ताह के अंतर्गत 2 फरवरी से प्रारंभ होगा। जानकारी देते हुए सेवा आश्रम के गुरुजी परम पूज्य श्री श्री 108 शिव शंकर गुरुजी ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व की शांति कोरोना महामारी से निजात के लिए ये पुण्य अनुष्ठान किया जा रहा है। 2 फरवरी को सेवा आश्रम JP कॉलोनी खातेगांव से प्रातः 9 कलश यात्रा के साथ श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ होगा। 3 फरवरी को देव स्थापना, अग्नि स्थापना एवं हवन प्रारंभ होगा। 4 फरवरी को दैनिक हवन के साथ 8 फरवरी तक प्रतिदिन दैनिक हवन पूजन होगा। मां नर्मदा जयंती 8 फरवरी के पावन अवसर पर यज्ञ की पुण्याहुति एवं भंडारा, देवता विसर्जन एवं ब्राह्मण विदाई का आयोजन होगा। 10 फरवरी को मां नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर में मां नर्मदा के तट बाबा सिद्धनाथ घाट नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में 51,000 दीपक से विशाल दीपदान एवं महाआरती का आयोजन शाम 6 बजे से आयोजित होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने सभी भक्तों एवं श्रद्धालुओं से अपील की है कि मास्क लगाकर आयोजन में शामिल हो, दीपदान के लिए पंजीयन सेवा आश्रम पर करवाएं। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े हैं सेवा आश्रम से गुरुजी, जो कि विश्व शांति एवं महामारी निवारण के लिए 7 दिवसीय श्री राम यज्ञ खातेगांव में करा रहे हैं। गुरुजी, ये यज्ञ कब से प्रारंभ होगा? ये तारीख 2 फरवरी से और 8 फरवरी तक चालू रहेगा। और 2 फरवरी को क्या आयोजन है? कलश यात्रा भी? कलश यात्रा है और पूरा नगर भ्रमण से कलश यात्रा करेगा। और फिर इसमें कितने यज्ञ कुंड बने हैं और कितने लोग यज्ञ में शामिल होंगे? प्रथम 1 कुंड बनाएगी, इसमें कम से कम तो 7 जोड़े बैठे हैं। अच्छा, और फिर 10 तारीख को क्या आयोजन है? नर्मदा के तट पर भी नर्मदा तट पे है, मतलब 51,000 दीपदान करना है और सब अपने कोरोना महामारी के कारण सपन ने कैनन से इसको आयोजन रखा गया है जी, कोरोना से मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए ठीक। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।